तुम्हें से बहुतों का प्रश्न नींद को लेकर है, तो आज नींद की ही बात करेंगे। नींद एक सहज और आध्यात्मिक घटना है, इससे लड़ना नहीं है, इसका भी उपयोग कर लेना है साधना में। नींद दुश्मन नहीं है, नींद तुम्हें पुनः स्वस्थ करती है, तुम्हारे घावों को भरती है। नींद एक तरह की छोटी मृत्यु है, इससे गुजरकर तुम दोबारा से जीवित हो जाते हो। नींद तुम्हें नया अवसर देती है जीवन को जीने का, एक तरह का रीसेट कि दोबारा से शुरू करो। नींद तुम्हें मौका देती है अपने केंद्र में वापस जुड़ने का। हर दवा में नींद का असर होता है, क्यों? क्योंकि विज्ञान समझता है कि गहरा श्वास तुम्हें अपनी गहरी नींद से ही मिलेगा। नींद के साथ समझौता मत करना, कर भी नहीं पाओगे। बिना नींद पूरी करे तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाओगे, ना काम ना ध्यान। एक औसत में देखा जाए तो 7 से 8 घंटे की नींद कहीं ना कहीं जरूरी है। और जैसा मैंने कहा, तुम समझौता नहीं कर सकते। अगर जितना शरीर को चाहिए उतना तुम शरीर को नहीं देते, उसके प्रभाव तुम्हारे हर काम पे पड़ेगा। आज की साइकोलॉजी में हम सब पर स्लीप डेप्थ या कहें नींद का कर्जा है और शरीर याद रखता है, इसलिए जरूरी है नींद पूरी करना। और सिर्फ पूरी ही क्यों करना, उसको एक आनंद की घटना बना लो, उसको जितना आनंद से ले सकते हो लो। तुम्हें सोने का मौका मिल रहा है, भीतर एक धन्यवाद का भाव रखो, उसको निपटाओ मत, उसको ध्यान की एक घटना बना लो। एक साधक प्रभु की दी हुई हर चीज का उपयोग कर लेता है, नकारात्मक को भी सकारात्मक बना लेता है, इसलिए नींद से लड़ना नहीं। और जितना नींद गहरी हो उतना ही तुम्हें कम जरूरत पड़ेगी। जहाँ पहले 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती थी, वो घटती जाएगी। जितना तुम्हारे जीवन से अनावश्यक चला जाएगा उतना ही आवश्यक बढ़ने लगेगा। और नींद तुम्हारे नकार को हटाने के लिए है, इसलिए उसकी जरूरत है। इसलिए एक बहुत सुंदर समय है जब तुम सोकर उठो, वहीं बैठ जाओ। अभी दिन शुरू हो उससे पहले ही वहीं बिस्तर पर ही बैठ जाओ और ध्यान में प्रवेश कर जाओ। और इस वक्त ध्यान में जाना बहुत सहज होता है, इससे सुंदर मुहूर्त और कोई नहीं। एक अच्छी नींद के बाद ध्यान में प्रवेश सोने में सुहागे वाली बात है। और तुम ये भी देखोगे तुम्हारी नींद कम होती चली जाएगी और ध्यान का समय बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसको घटाने की कोशिश मत करना, ये होगा अपने से। तो अभी के लिए अपनी नींद को ध्यान बना लो, एक सुंदर सा अनुभव बना लो, फिर नींद भी वरदान हो जाएगी। प्रणाम।